हेलो स्टूडेंट, गुरुद्रोण क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने टाइप ऑफ रिलेशन देखा था और टाइप ऑफ रिलेशन में आपको बताया गया था कि जो रिलेशन है टाइप ऑफ रिलेशन में हमने देखा था पिछले वीडियो में कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, रिलेशन क्या है, कौन कौन से रिलेशन है। यहाँ पर हमको रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जानने हैं। यहाँ पर हमको एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कशन करना है। एक्सरसाइज 1.1 में क्या है बेटा, पिछले वीडियो को यदि आप देखोगे तभी आपको यह एक्सरसाइज 1.1 समझ में आएगा। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को दे दूंगा और आप वह वीडियो ज़रूर देख लें टाइप ऑफ रिलेशन, क्योंकि टाइप ऑफ रिलेशन जो उसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन बताया था, जो उसके डेफिनेशन बताया था, यहाँ पर उस डेफिनेशन को लेके ही हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो बेटा, अब हम लोग डेफिनेशन तो पढ़ चुके हैं, यहाँ अब हमको एक्सरसाइज पढ़ना, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा एक बात याद रखिए, मान लिया जाए लेट वी हैव ए सेट 1, 2, 3 एंड 4। वी हैव ए सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास एक रिलेशन है। अब देखो, इस रिलेशन में हमको तुल्यता संबंध बताना है। आपको बताया गया था बेटा, देखो तुल्यता इक्वावेलेंस, तुल्यता संबंध, व्हाट इज इक्वावेलेंस, इस तुल्यता संबंध में क्या इक्वावेलेंस है बेटा, इस तुल्यता संबंध में क्या सीखा था हमने पिछला वीडियो आप जरूर देख ले। मैं थोड़ा सा एक बार और बता दे रहा हूँ तुल्यता संबंध में। देखो हम क्या क्या देखते हैं, पहले देखते हैं हमारा जो फंक्शन है इसमें तीन स्टेप आपको याद रखना है। फर्स्ट, दिया गया जो संबंध है वह स्वतुल्य होगा, ठीक है बेटा। दूसरा, दिया गया जो संबंध होगा वह सममित होगा, और तीसरा जो होगा दिया गया संबंध होगा संक्रमण या संक्रामक भी कई लोग बोलते हैं, कई लोग संक्रमण भी कहते हैं, कई लोग संक्रामक भी कहते हैं। तो बेटा संक्रामक यदि कहीं लिख दिया जाता है तो आप कंफ्यूज में ना पड़े, ठीक है। तुल्यता हमको जानना है, हमने बता भी दिया था पिछले वीडियो में, सारा चीज आपको बता दिया गया था। तुल्यता जो संबंध होता है वह कैसे आता है, तो देखो यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में हम यह तीन कंडीशन, ठीक है, यदि उस क्वेश्चन में यह तीनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई है तब वह क्वेश्चन में तुल्यता संबंध होगा। और यदि अदर यहाँ पर तीनों में से कोई एक ऐसा रिलेशन हो और वह उस क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं होता है तो आप ये समझोगे कि दिए गए क्वेश्चन में तुल्यता संबंध नहीं है, ठीक है ना। अब देखो जो एक स्वतुल्य को कभी कभी, देखो बच्चे हम थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं, जो हमारा स्वतुल्य संबंध है कई लोग इसको स्वतुल्य संबंध को तत्समक संबंध के साथ जोड़ लेते हैं, आइडेंटिफाई रिलेशन, ठीक है। उसके बाद स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, इसको स्वतुल्य को हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं, रिफ्लेक्सिव इसको कभी कभी एक ही मान लिया जाता है। बेटा थोड़ा सा मैं इसकी कंफ्यूजन को आप दूर कर देता हूं, उसके बाद आपको तुल्यता संबंध भी समझा दे रहा हूं। तो पहले बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, एक बात समझना बेटा,
मान लिया जाए कि हमारे पास सेट ए है, उसमें एलिमेंटों की संख्या 1, 2, 3 एंड 4। अब देखो जो ये तत्समक संबंध था, आइडेंटिफाई संबंध था, उसमें क्या था। आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि जब हम कोई रिलेशन निकालते हैं तो उस रिलेशन का जो क्रमिक युग्म बनता है, जो आर्डर पेयर बनता है, उसका फर्स्ट आर्डर पेयर का फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो जब हम यदि हम इसके सेट ए का, आपको बताया गया था आर इक्वल टू एक क्रास ए भी हो सकता है, एक क्रास बी भी हो सकता है, बी क्रास ए भी हो सकता है, बी क्रास बी भी हो सकता है, जो रिलेशन दी, जो यहाँ पे सेट दिया होगा उसका, उसी में हम क्रास करके रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखना है हमको कि जो रिलेशन निकालना, हम मान लिया जाए कि हमारे पास कोई सेट है ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4। अब इसमें हमको कुछ रिलेशन फाइंड करना है, तो पहले ये पता कर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपको पता है, यदि इसी सेट में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है तो आपको बताया गया था कि नंबर ऑफ जो रिलेशन होता है वह नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी होता है। यहाँ तो नंबर ऑफ बी है नहीं, इसलिए नंबर ऑफ ए ही ले ले। तो देखा जाए तो 4 एलिमेंट इंटू 4 16 रिलेशन टोटल हमको यह फाइंड होता है। अब उस रिलेशन में कुछ कंडीशन दिए जाएंगे, अब उस कंडीशन को हमको चेक करना बेटा कि क्या यह कंडीशन इस क्वेश्चन के सेटिस्फाई है। तो देखो बेटा, यहाँ पे पहले हम रिलेशन निकाल ले रहे हैं और उसमें कुछ बातें आपको बताएंगे। मान लिया जाए हम इसके रिलेशन को निकाल रहे हैं, तो आर्डर पेयर बनेगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। आप निकाल लीजिएगा, एक क्रास ए निकालना है आपको। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2 हो गया, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4। अब 4 आएगा, 4, 1, 4, 2, 4, 3 एंड लास्ट 4, 4। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आप काउंट कर लें तो आपको पता चलेगा टोटल जो नंबर ऑफ रिलेशन है वह 16 में, टोटल आप काउंट कर लें तो 16 एलिमेंट टोटल होंगे, ऐसे करके आप काउंट कर लें। अब इस एलिमेंटों में ये टोटल नंबर है, इस जो सेट दिया हुआ है उसमें टोटल जो रिलेशन होंगे इतने रिलेशन हो सकते हैं। अब इस रिलेशन में हम कुछ चीज़ें छाँटनी है, क्या क्या छाँटना है बेटा ध्यान देना। अब इस रिलेशन में मान लिया जाए कि हम कुछ लिखते हैं R1 = हमने लिखा, इस रिलेशन से या इसी क्वेश्चन से डायरेक्ट ये न दे के हम जो यहाँ लिख रहे हैं वो चीज़ दे दे, कैसे दे गए। जैसे मान लो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो सकता है और उसी में से कुछ छाट के वो क्वेश्चन दे देता और आपसे पूछेगा कि बताइए आइडेंटिफाई है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या एंटीसीमेट्रिक है या फिर इक्वावेलेंस है। चार चीज़ें आपसे पूछ सकता है या ट्रांजिशन भी पूछ सकता है। ट्रांजिशन भी हमने आपको बताया था, अब ट्रांजिटिव में भी आपको तो थोड़ा सा एक बात ध्यान देना कि चार चीज़ें पूछ सकता है। अब हम यहाँ आपको पहले ये अलग अलग कर दें, ये चीज़ पहले समझा दें कि स्वतुल्य या तत्समक इन दोनों में हम डिफरेंस पहले सीख लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। देखो बेटा, स्वतुल्य में जितने सेट में एलिमेंट होते हैं, यदि हम स्वतुल्य के बारे में बात करते हैं, तब सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वह सभी एलिमेंट किसी रिलेशन में उपस्थित होंगे और वह स्वयं के साथ रिलेशन बनाएंगे, उपस्थित होना अनिवार्य है। तत्समक में जितने रिलेशन हैं, हो सकता है उतने रिलेशन न हो, कोई दो ही आए लेकिन वह स्वयं अपने आप के ही साथ संबंध बनाए। इसमें देखो दोनों में जो डोमेन और जो रेंज होता है, याद रखना स्वयं के साथ ही रिलेशन रखता है। क्या कहेंगे आप? स्वयं के साथ संबंध। बट याद रखिएगा, दोनों में स्वतुल्य और तत्समक सीधे सीधे उसका मतलब हुआ कि वह स्वयं के साथ संबंध, सेल्फ रिलेशन। ठीक है,
अब इसमें बात समझना, सेल्फ रिलेशन जो है वह अपने आप के साथ ही संबंध रख रहा है। तो जैसे यहाँ देखो, यह अपने आप के साथ संबंध रख रहा है, यह देखो अपने आप के साथ संबंध रख रहा है, उसके बाद ये भी अपने आप के साथ संबंध रख रहा है, ये भी अपने आप के साथ संबंध रख रहा है। तो अगर मैं ये चारों एलिमेंट दे दिया जाए तो याद रखिएगा वह स्वतुल्य होगा, तत्समक भी होगा, दोनों चीज होगा। लेकिन कब क्या, अगर दोनों एक ही चीज है तो हम क्यों नहीं स्वतुल्य ही सिर्फ लिख पा रहे हैं या फिर क्यों नहीं तत्समक ही लिख पा रहे हैं? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, यह दोनों चीज सेम नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो स्वतुल्य में यहाँ जितने एलिमेंट होंगे वह सारे एलिमेंट अपना संबंध यहाँ पे रखेंगे, चार एलिमेंट है ना, तो एक एक भी होना चाहिए, दो दो भी होना चाहिए, तीन तीन भी होना चाहिए, चार चार भी होना चाहिए। अगर मैं चारों एलिमेंट स्वयं के साथ संबंध बना रहे हैं और वह रिलेशन दिया है तभी वह स्वतुल्य होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ समझा रहे हैं 1, 1, 2, 2 और 3, 3 हो गया, ठीक है। और एक R2 हमने ले लिया 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ठीक है। अब ये बताओ बेटा, दोनों तो हमने वही चीज लिखा है, फर्स्ट रिलेशन एंड सेकंड रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन में हमको बताना कि क्या आपको समझ में नहीं आया है अभी अभी। यहाँ जो बात हमने कहा है उस बात को आप गौर कीजिए। तो गौर क्या करना है, अभी हमने कहा कि स्वतुल्य में सारा एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए, ठीक है, सारे एलिमेंट अपने साथ संबंध रखने चाहिए। यदि पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट सेम है किसी आर्डर पेयर में तभी वह स्वतुल्य और तत्समक होता है। तो स्वतुल्य कब होगा, जब उसके सारे एलिमेंट उसमें अवेलेबल होंगे। और तत्समक कब होगा, जब उसमें एक आधा एलिमेंट कम भी होगा तभी चले, जैसे देखो 1, 2, 3 है, 4 वाला नहीं है, तभी वह तत्समक होगा। अब याद रखिएगा इसको सिर्फ आप तत्समक कह सकते हो, ठीक है, सिर्फ तत्समक। और इसको आप तत्समक व स्वतुल्य दोनों कह सकते हो, इस कंडीशन तक इसको तत्समक और स्वतुल्य दोनों कह सकते। तो याद रखिएगा बेटा, जो आइडेंटिफाई रिलेशन होता है वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें एक बात और याद रखना, जब यह स्वतुल्य है तो एक बात हम और लिख रहे हैं, R3 1, 1 2, 2 याद रखिएगा, 3, 3 4, 4 1, 2 2, 3 3, 4 अब बेटा बता दो ये कौन सा रिलेशन है, क्या इन दोनों में से कोई रिलेशन है? तत्समक में भी हमने यही बात कहा कि जो आर्डर पेयर होगा वह स्वयं के साथ रिलेशन रखता है, ठीक है, तो ये तत्समक हो गया। स्वतुल्य में भी हमने वही बात कहा कि जो आर्डर पेयर होता है वह स्वयं के साथ रखता है, लेकिन जो सेट दिया होगा उस सेट में जितने एलिमेंट होंगे वह सारे के साथ रिलेशन रखेगा, सारे उसमें अवेलेबल होने चाहिए। इसमें तत्समक एक दो कम है, यहां भी रहता है तभी चल जाएगा, तत्समक होगा। बट जो रिफ्लेक्सिव होगा उसमें सारे एलिमेंट अवेलेबल होने चाहिए, अदरवाइज वह रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। तो यहां देखें, इसमें तो दो ही काम चल गया, हमारा तत्समक हो गया। इसमें बताओ तत्समक भी हो सकता है स्वतुल्य, तो इसमें क्या होगा? ये तो हमको दिख रहा है ना तत्समक है ना स्वतुल्य, तो आप सोच के बताइए क्या होगा, बताओ बेटा बताओ। देखो इसको, इस रिलेशन को, रिलेशन नंबर थर्ड हमारा जो है वह स्वतुल्य हो जाएगा। अब बेटा एक बात हमारा समझना, अभी हमने जो बात कहा है उस पर आपने गौर किया होगा कि हमने कहा कि तत्समक और जो स्वतुल्य होता है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो यहाँ एक अंतर तो हमको यही मिल गया था कि तत्समक में एक दो एलिमेंट भी अपना आर्डर पेयर सेम बनाता तो काम चल जाएगा, लेकिन स्वतुल्य में सारे एलिमेंट होना चाहिए जो अपना रिलेशन स्वयं के साथ रखते हैं। तो ये आप स्वतुल्य कैसे कह दी, आप ये सोच रहे होंगे ना। तो देखो बेटा, जब चारों एलिमेंट इसमें होंगे, ठीक है, जो चारों एलिमेंट किसी सेट में, क्योंकि हम रिलेशन जब बनाते हैं तो किसी सेट से ही बनाते हैं ना। तो देखो किसी सेट में चार एलिमेंट है तो चारों एलिमेंट इसमें अवेलेबल है और वह स्वतुल्य यहां तक बना रहा है,
यहाँ तक तो स्वतुल्य होगा ना। तो उसके बाद चाहे जो भी आए, यदि सेटों की संख्या, सेट में जितने एलिमेंट हैं वह एलिमेंट यहाँ पर स्वयं के साथ रिलेशन सब के सब बना दिए, तो उसके बाद चाहे जो भी आए वह हमको नहीं देखना है, ठीक है, वह स्वतुल्य कहलाएगा कहलाएगा। चाहे इसके बाद आप कुछ भी लिखते हो इस रिलेशन का ही, ऐसा थोड़ी कि आप यहाँ ABCD लिख दो, नहीं, इसी रिलेशन का यदि कुछ भी आप यहाँ लिखते हो तो आप देखो इस चीज को भी, इस पूरे को भी, ये जो पूरा रिलेशन है, इस पूरे रिलेशन को भी हम स्वतुल्य कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये चार एलिमेंट है इसमें, तो चारों स्वयं के साथ समन्वय, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और बाद में आप कुछ भी लिखते हो तो वह स्वतुल्य हो जाएगा। तो बेटा स्वतुल्य और तत्समक में अंतर समझ में आया? आया ना? देखो सिंपल सी बात है, स्वतुल्य और तत्समक में क्या डिफरेंट? तत्समक में जो आर्डर पेयर होगा उसमें जो एलिमेंट होंगे स्वयं के साथ संबंध रखेंगे, तो कोई आवश्यक नहीं कि सारे एलिमेंट उसमें अवेलेबल हो। लेकिन स्वतुल्य में सारे, स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में जितने भी एलिमेंट यहाँ पे दिए जाएंगे, जितने भी एलिमेंट दिए जाएंगे सब उस रिलेशन में अवेलेबल होने चाहिए और वह सेल्फ रिलेटिव होने चाहिए, ठीक है, मतलब स्वयं के साथ संबंध रखने चाहिए। उसके बाद भी यदि कुछ एलिमेंट दिए जाते हैं और यह चारों मिल जाता है तो स्वतुल्य। अब इसमें देखो अगर मैं डाल देते हैं, हम 1 3 डाल दें तो यह कोई भी रिलेशन नहीं होगा। यदि 1 3 या याद रखिए कोई भी रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए, बताओ बेटा क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि स्वतुल्य तो होगा नहीं, क्योंकि स्वतुल्य में कंपल्सरी है कि चारों एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें 2 ही है, ठीक। तत्समक भी नहीं अब हो पाएगा, क्योंकि तत्समक का तो बांड ही है, समझ लो उसका तो कंपल्सरी बांड है कि उस समय जो एलिमेंट होंगे वह स्वयं के साथ ही संबंध रखेंगे। कोई और एलिमेंट यदि उसमें अवेलेबल है तो वह तत्समक भी नहीं होगा, इसलिए यह ना तत्समक होगा और ना ही स्वतुल्य होगा। बात समझ में आ रही है ना? अब चलो इसमें से कुछ एलिमेंटों को छांट के अब कुछ सममित के बारे में चर्चा कर लें। देखो बेटा सममित क्या है, हमने कहा था जब मान लिया जाए, थोड़ा सा ध्यान देना, सममित में, सममित क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक रिलेशन में हमने बताया था यदि कोई 2 एलिमेंट हो जाए, ठीक है, तो पहला दूसरे के साथ जिस प्रकार संबंध रख रहा है दूसरा भी पहले के साथ उसी प्रकार संबंध रखता हो तो वह सममित होता है। जैसे आप सिंपल एक उदाहरण समझे, राम और लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण भाई हैं, तो राम इधर से भी, राम लक्ष्मण का भाई है तो लक्ष्मण भी राम का क्या भाई है, सेम रिलेशन हुआ ना, तो वह सममित कहलाएगा। यहाँ भी देखो कुछ सममित के उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जैसे 1 2 है ना, तो यहाँ कहीं 2 1 भी होगा, देखो यह आपस में सममित है, ठीक है, यहाँ देखो ये भी आपस में सममित होगा ये दोनों, ठीक है। इसी प्रकार इसमें बहुत सारे ऐसे रिलेशन होंगे जो सममित होंगे, ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा एक बात समझना, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहले उस रिलेशन को हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ मान लिया जाए एक रिलेशन हमारा x, y such that ध्यान देना, x, y such that दे दिया कोई रिलेशन x + y > 2, जहाँ x, y दोनों इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। मतलब देखो इसे कोई सेट दिया हुआ था, उस सेट का हमने टोटल रिलेशन पता किया, ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अभी हम लोग सममित स्वतुल्य संक्रमण के बारे में देखे हैं, तो सममित स्वतुल्य संक्रमण में थोड़ी सी इस क्वेश्चन के को भी सॉल्व करके अभी हम सममित स्वतुल्य संक्रमण पे फिर, हाँ बेटा, तो देखो ये क्वेश्चन दिया, तो पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद स्वतुल्य सममित संक्रमण पे फिर से चलेंगे। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इस रिलेशन में, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है इस रिलेशन से? तो देखा जाए, यहाँ देखो कह रहा है x, y such that, मतलब x, y ऐसा है कि एक्स और वाई दोनों मिलकर, देखो ये क्या कह रहा है, x + y
मतलब एक्स और वाई दोनों मिलके दो से बड़े होने चाहिए, जहां एक्स और वाई दोनों क्या नेचुरल नंबर, तो देखो ये पूरा नेचुरल नंबर तो है ना। तो एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन टू, हमको उस रिलेशन को यहाँ फाइंड करना है कि एक्स और वाई दोनों मिलके दो से बड़े होंगे। तो आप यहाँ रिलेशन में क्या लिख पाओगे, कुछ सिर्फ ऐसे ही आर्डर पेयर को आपको वहां से फाइंड कर लेना है, आपको वहां से निकाल के यहाँ लिख देना है जिसमें x प्लस वाई इज ग्रेटर देन टू। ये देखो ये x, ये y, ये x, ये y, ये x, y, x, y। तो कोई आर्डर पेयर जोड़ के देखिए जो दो से बड़ा होगा उन्हीं को आपको लिखना है। तो पहला तो दो ही होगा तो उसको हम लिख नहीं पाएंगे, दो से बड़ा चाहिए ना। ये देखो इसको हम लिख पाएंगे, इसको भी लिख पाएंगे आप, इसको भी आप लिख पाएंगे, 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 इसको ये भी दो से बड़ा होगा, तीन कामा एक ये भी दो से बड़ा होगा, तीन कामा दो ये भी दो से बड़ा होगा, थ्री कामा थ्री ये भी दो से बड़ा होगा, थ्री कामा फोर ये भी दो से बड़ा होगा, फोर कामा वन ये भी दो से बड़ा होगा, फोर कामा टू वो भी दो से बड़ा होगा, फोर कामा थ्री ये भी दो से बड़ा होगा, फोर कामा फोर ये भी दो से बड़ा होगा। तो जितने भी नंबर जिनका, ये देखो जितने भी आर्डर पेयर थे जो जिनको x प्लस वाई करने पर 2 से ग्रेटर हो रहा था, उन सबको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। इसी क्वेश्चन में कुछ और भी बातें हो सकती हैं, यही क्वेश्चन किसी और भी तरीके से यहाँ लेस देन भी दे सकता, ठीक है, माइनस भी दे सकता कि x माइनस वाई, इसी बात को, इसी क्वेश्चन को हम, ये मान लो पहला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन यही लिख रहे बेटा, समझना। आपके एनसीईआरटी वाले बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, यदि आप इन चीजों को नहीं समझ पाओगे तो आपको क्वेश्चन समझने में बड़ी तकलीफ होगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा हम लोग टाइम लेंगे, रिलेशन और फंक्शन वाले चैप्टर में हम लोग टाइम लेंगे बेटा, क्योंकि रिलेशन और फंक्शन आप यदि समझ गए तो आप समझ लीजिए कि बेसिक चीज तो जान गए और आगे पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, रिलेशन आप समझ जाओगे तो फंक्शन आपको ईजी हो जाएगा, जब फंक्शन समझ जाओगे तो त्रिकोणमेट्री पढ़ लोगे, त्रिकोणमेट्री पढ़ लोगे, फिर डिफ्रेंसिएशन पढ़ लोगे, डिफ्रेंसिएशन के बाद इंटीग्रेशन पढ़ लोगे, ठीक है, उसके उनका इक्वेशन है, अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन वगैरह जितने भी चीज़ हैं सब फंक्शन पर डिपेंड करें। तो फंक्शन आपको समझना पड़ेगा, तो फंक्शन समझने से पहले रिलेशन समझ लो, रिलेशन को बेसिक समझ लो ना, आराम से समझो। अब देखो यही एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आर इक्वल टू एक्स कम वाई सच दैट एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन टू, जहाँ एक्स कम वाई इज एलिमेंट ऑफ ये। इस रिलेशन को हम फाइंड करते हैं, मान लो ये आर वन था तो आर वन का आंसर आर वन होगा, आर टू का आंसर आर टू। इस रिलेशन को हमको फाइंड करना है। आइए तो क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। ये हमारे पास कोई सेट दिया होगा, ठीक है, इस सेट में जैसे ये कोई सेट दे दिया, बस ऐसे क्वेश्चन होगा कि हमारे पास सेट ए इक्वल टू इतना और उसमें कुछ क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, उनके आंसर बताना है। तो आप क्वेश्चन समझिए, आंसर आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलो बेटा देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन एक बार समझो तो कॉपी पे लिख लीजिए, कॉपी पे लिखने के बाद उसको समझने का प्रयास करें। समझ में आ रहा है, आपके बुक का पहला जो सवाल है ए इक्वल टू ऐसे करके 1 2 3 डाटा डाटा 13 14 में समानिस आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर इक्वल टू एक्स कम वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू जेड दिया हुआ है। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन होंगे, तो पहले आप इनको समझे तो वो भी बात समझ में आ जाएगी आपको। तो देखो x कम वाई क्या है कि x में से जब y घटाओ तो वह 2 से बड़ा आना चाहिए। इसमें देखो x में से y घटाओगे 0 आ जाएगा, 2 से बड़ा नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, मतलब x में से जब y घटाए तो 2 से बड़ा आना चाहिए। तो सोच के बताओ x में से जब y घटाओगे तो हमें लग रहा है यही होगा, चेक कर, 2 से बड़ा चाहिए ना, तो हमें लग रहा है कि 4,1 होगा। आपको कुछ और लग रहा तो बताए, लग रहा है, अरे बेटा चेक करो यहाँ, x में से y घटाओ 2 से बड़ा, यहाँ देखो 0 आ जाएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, ये 1 आएगा, 0 आएगा, -1 -2 माइनस, यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, यहाँ 1 मिल जाएगा, यहाँ देखो 0 1
यहाँ पे 3 मिल जाएगी, इसका जो डिफरेंस होगा 4 माइनस 1 मतलब x माइनस 1 3, ये भी देखो नहीं होगा, तो हमको यही चीज मिला। तो इसी टाइप से कई चीज यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं और कई रिलेशन दिए जा सकते हैं, और उसमें हमको उस बात को समझना पड़ता है कि क्या कह रहा है और उसके हिसाब से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। देखो बेटा, जब क्वेश्चन समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। या होमवर्क में हम आपको एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं और आपको कोई रिलेशन यहाँ लिख दे रहे हैं साइड में, आप उसको घर बैठ के सॉल्व कीजिएगा। मान लिया जाए कि हमारे पास ये 4 क्वेश्चन आपके लिए है, आप घर पे बैठ के इन 4 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके यदि मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो आप उस पर सेंड करिएगा, अदरवाइज आप घर पे बैठ के उसको तैयारी जरूर करेंगे, इन क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप घर पे खाली बैठने से अच्छा है कि आप कुछ तैयारी करें। अब देखें, हम स्वतुल्य सममित के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो एक बार स्वतुल्य और सममित के बारे में फिर से चर्चा कर लेते हैं बेटा। तो चलो, स्वतुल्य सममित क्या था हमने बताया, स्वतुल्य में स्वतुल्य सममित संक्रमण। अब देखो, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि दिए गए रिलेशन में स्वतुल्य है, सममित है या संक्रमण है या नहीं, तो आप पहला काम क्या करोगे? देखो बेटा, देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसमें तुल्यता संबंध बताने के लिए। अभी हमने कहा इक्वावैलेंस रिलेशन या क्लास भी कहा जा सकता है। यदि आपसे कभी भी इक्वावैलेंस क्लास या इक्वावैलेंस रिलेशन क्वेश्चन में आपसे आस्क होता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होता है, तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि तुल्यता संबंध बताने के लिए हमको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है। फर्स्ट याद रखिएगा कि वह जो रिलेशन होता है वह तुल्यता यानी कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दूसरा, वह सममित भी होना चाहिए, सिमेट्रिक। एंड थर्ड, संक्रामक, ट्रांजिटिव। बेटा याद रखना इन बातों को कि जब भी आपसे तुल्यता संबंध पूछा गया, इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा गया, इक्विवेलेंस क्लास पूछा जाता है, तो आप पहले चेक करोगे कि दिए गए क्वेश्चन में स्वतुल्य है या नहीं, यानी कि दिए गए क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर सेकेंड टाइम चेक करोगे आपकी दिए उसी रिलेशन में सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, उसके बाद थर्ड हम ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। तो यदि आपको तीनों रिलेशन सेटिस्फाई उस क्वेश्चन में हो जाते हैं, तो लास्ट टाइम आप लिख देते हो कि दिए गए रिलेशन में तुल्यता या इक्विवेलेंस क्लास अवेलेबल है। अदरवाइज यदि कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, तो आप सीधे सीधे कह दोगे इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, एक बात हम कहने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आर में तुल्यता संबंध, इस बात को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। हमने कहा कि जब भी आपको तुल्यता संबंध बताना है, तो तुल्यता संबंध बताने से पहले आप उसमें क्या देखते हो, आप वह चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो तुल्यता संबंध जब भी आपको बताना है, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो तुल्यता संबंध में, हमारे पास 3 कंडीशन होगा, तीनों को सेटिस्फाई करना होगा। चलो, पूर्णांकों के समुच्चय जेड पर एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर इक्वल टू रिलेशन, बेटा समझ लेना, कह रहा कि ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी 3 से विभाज्य। अब बेटा ऐसे सोचो कि मान लिया जाए हमारे पास कोई रिलेशन, इसमें क्वेश्चन में देखना, हम लोग क्वेश्चन में समझते बहुत ज़्यादा, लिखते बहुत कम है। याद रखना, जब भी हमको तुल्यता संबंध बताना है, तो फर्स्ट कंडीशन उसमें लिखना होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि हम सबसे पहले चेक करेंगे दिए गए क्वेश्चन में स्वतुल्य है या नहीं, स्वतुल्य की हम जांच करते हैं, दिए गए क्वेश्चन स्वतुल्य है। तो देखना, पहले क्वेश्चन में जो हमारा सेट होगा वह किस प्रकार से डिनोट किया गया होगा। तो देखो, पूर्णांकों के सेट समुच्चय पर जेड, पूर्णांकों का कोई समुच्चय होगा उसको जेड द्वारा डिपेंड लिखा डिनोट किया गया, जैसे जेड इक्वल टू मान लो पूर्णांक -1 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी इस प्रकार से कुछ पूर्णांक होंगे जिनको जेड द्वारा यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो कह रहे पूर्णांकों के समुच्चय जेड पर एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है।
ठीक है, कह रहे कि उसमें जब ए में से बी आप घटा रहे हो तो वह जो मिल रहा है वो 3 से भी 5 है। ध्यान देना बेटा, बात समझना, यहाँ पे रिलेशन समझ लेना। रिलेशन क्या कह रहा है कि ए में से जब बी आप माइनस कर रहे हो तो क्या हो जा रहा है, 3 से डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, ए माइनस बी, जैसे मान लो कि हम जेड इक्वल टू कोई रिलेशन लिख रहे हैं, 9 लिख लिया हमने, 15 लिख लिया हमने, 24 लिख लिया हमने, ठीक है, 3 लिख लिया हमने। अब इसमें जब हम कुछ रिलेशन बनाते हैं, मान लिया जाए रिलेशन हम जेड क्रॉस जेड ले रहे हैं, तो रिलेशन हमारे क्या बनेगा, 9,9 मिलेगा, 9,15 मिलेगा, ऐसे करके 9,24 मिलेगा, 15 के साथ भी मिलेगा 24, 9 के साथ भी मिलेगा, ऐसे 24 के साथ 3 भी मिलेगा। इस टाइप से बहुत सारे रिलेशन यहाँ मिलेंगे आपको, मिलेंगे ना। तो इस टाइप के जितने भी रिलेशन मिलेंगे उसी पे हमको थोड़ा सा कंसेप्ट करना है। तो क्या चीज़ है बेटा, बात समझो, कह रहा है कि जब ए में से आप बी घटाओगे तो ए और बी क्या है, ए और बी जो ये आर्डर पेयर है ना, उसमें फर्स्ट एलिमेंट ए सेकंड एलिमेंट बी, जैसे एक्स वाई हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था वैसे ए और बी समझिए आप। यहाँ एक्स वाई भी लिखा जा सकता है, बहुत सारे बुक में एक्स वाई लिखा होगा तब कन्फ्यूज ना हो। ठीक है बेटा, बात समझना हमारे। अब इसमें कह रहा है कि ए माइनस बी जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो जैसे यहाँ देखो, 9 माइनस 9 करोगे तो 0 आ जाएगा। आपको पता है 0 सारी संख्याओं से विभाजित हो सकता है, जितनी भी नंबर होती है, जितने भी पूर्णांक होते हैं सारे पूर्णांकों से 0 डिविजिबल होता है। अब यदि हम 9 इसके बारे में चर्चा करते हैं, 9 माइनस 15 के बारे में चर्चा करते हैं, तो बताइए क्या होगा, -6 होगा। और -6 को हम 3 से डिवाइड कर पाए तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक इंटीजर्स ही मिलेगा हमको। देखो ये लिखा है इंटीजर सेट को हम जेड से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इंटीजर्स भी देखो ये कंप्लीटली कट जा रहा है, कंप्लीटली डिविजेबल है, इसलिए यह ए माइनस बी 3 से विभाज्य होगा। तो एक बात बताओ, जब भी आपको स्वतुल्य के बारे में बताना है तो आप पहले उसको मानोगे, माना, ठीक है, इसमें ए होगा या बी होगा, दो ही चीज होगा, या एक्स वाई होगा या ए और बी होगा। तो इसमें सिर्फ ए को आप एलिमेंट ऑफ जेड मान लीजिएगा, ठीक है बेटा, ए को, क्योंकि हमको स्वतुल्य में क्या हमने सीखा, स्वतुल्य में हमने कहा था कि कोई भी एलिमेंट अपने आप के साथ ही रिलेशन रखता है। ठीक है, तो ए जो होगा ए के साथ ही रिलेशन रखेगा। तो अब यहाँ कंडीशन लिखा, कंडीशन क्या दिया है, ए माइनस बी 3 से विभाज्य, दैट इंप्लाइज ए माइनस ए, मतलब दोनों को स्वतुल्य है ना, स्वतुल्य में हमको सिर्फ एक ही एलिमेंट स्वयं के साथ स्वयं स्वयं रहे, सेल्फ रिलेशन। तो देखो ए बी नहीं हो पाएगा, स्वतुल्य है ना, तो या तो दोनों को बी बी कर दीजिए या फिर दोनों को ए ए कर दीजिए। अब लिखिए 3 से विभाज्य। अब बात बताइए, 0 आया, अब 0 3 से विभाज्य होगा, बोलिए, 0 हमने कहा किसी संख्या से विभाज्य होगा। तो ये बताओ ए जो होगा एलिमेंट ऑफ जेड के लिए स्वतुल्य है, लिख देंगे आप, बात समझ में आ रही बेटा। पहले देखो दिए गए रिलेशन को लिख लें, और दिए गए रिलेशन ए और बी है तो आप मानोगे, या तो ए को मानोगे नहीं तो बी को मानोगे। तो यहाँ ए को मान लो, ए इज एलिमेंट ऑफ जेड, ठीक है, उसके बाद रिलेशन यहाँ लिख लिया हमने, फिर रिलेशन में दोनों को एक ही एलिमेंट कर दें, क्योंकि स्वतुल्य बता रहे हैं तो स्वतुल्य में दोनों सेम होना चाहिए, ए ए होना चाहिए, अदरवाइज बी बी होना चाहिए। तो ए माइनस ए करोगे तब भी 0 आएगा, बी माइनस बी करोगे तब भी 0, तो को हरा 3 से विभाज्य, तो हमने माइनस किया तो भी 3 से विभाज्य। तो जो कंडीशन हमारा दिया था वह कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, कह रहे ए में से बी घटाइए वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो ए में से बी घटा आया 0, ठीक है, तो वो 3 से विभाज्य, यानी कि जो कंडीशन पहले दे रखा था वो कंडीशन यहाँ अप्लाई हो पा रहा है, ठीक है, तो इसलिए यह क्या होगा, स्वतुल्य होगा। अब सेकंड कंडीशन इसके लिए हम मानेंगे सममित के लिए, अब याद रखना बेटा, सममित के लिए आपको दो चीज मानना पड़ता है, माना ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ जेड, ठीक है, सममित के लिए आपको दो चीज मानना पड़ेगा, ए और बी इज एलिमेंट ऑफ जेड। तो यहाँ देखिए, जैसे जो रिलेशन पहले लिखा है आप उसको लिख दीजिए, ए माइनस बी कामा
तीन से विभाज्य। अब हमको एक बात आप यही समझा दें बेटा, आप हमको एक बात यही समझा दें कि ये बताओ a में से जब b माइनस करोगे वह तीन से विभाज्य है, तो सममित में ये कहता है कि a वाला b के साथ जिस प्रकार रिलेशन रख रहा हो b वाला भी a वाले के साथ उसी प्रकार रिलेशन रखेगा, ठीक है, तभी वह सममित होगा। तो a माइनस b यदि तीन से विभाज्य है तो जैसे देखो यहां देखना, ये जो रिलेशन दिया है बात समझना हमारे, अगर किसी संख्या कोई भी दो संख्या ऐसी ले लीजिए आप कि उसमें से पहले में से दूसरे को घटाया वह तीन से विभाज्य हो, और फिर आप उसको पलट के भी चेक करेंगे ना, दूसरे में से पहले को माइनस करें तो वो भी तीन से विभाज्य अवश्य ही आएगा। आप चेक कर लो, जैसे देखो 9 में से 15 घटाया तो वह तीन से विभाज्य है, अगर मैं हम 15 में से 9 घटाते हैं तो मिलेगा 6, वो भी तीन से विभाज्य होगा। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि a माइनस बी यदि तीन से डिविजिबल है तो b माइनस ए भी तीन से डिविजिबल होगा, तो वही चीज है हमको लिखना है। बात समझ रहे बेटा, यहाँ लिख रहे हैं सममित क्या कहता है, सममित ये कहता है कि यदि हमारे पास कोई रिलेशन है उस रिलेशन में सममित कौन होगा, यदि कुछ ऐसे रिलेशन हो कि ए वाला ए और बी आपस में जो रिलेशन रख रहे हैं वही बी और ए रखेगा। तो देखो ए माइनस बी जब तीन से विभाज्य होगा तो बी माइनस ए भी तीन से विभाज्य होगा ही होगा। अच्छे किसी नंबर पे चेक कर लो, यदि मान लो हम रिलेशन में यहाँ लिख दिए पहला क्वेश्चन कि ए माइनस बी तीन से विभाज्य होना चाहिए, तो आप ऐसे ले लीजिए ना, मान लो हमने 12 ले लिया और 3 ले लिया, तो ए हो गया बी, तो 12 में से 3 घटा हो गया तो 9 आएगा, वो 3 से विभाजित होगा, कंप्लीट कर जा। यदि 3 में से 12 घटाओगे तो माइनस 9 आएगा, वो माइनस 3 आएगा, ये भी कंप्लीट कर जा। माइनस क्या मतलब है, कंप्लीट करना चाहिए, इंटीजर्स आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए माइनस बी 3 से विभाज्य है, दैट इम्प्लाइज, या यहाँ लिख लीजिए दैट इम्प्लाइज बी माइनस ए भी 3 से विभाज्य है, समझ रहे हैं। तो यहाँ क्या मिला हमको, अतः ए रिलेटिव विथ, या ऐसे लिख दीजिए ए कामा बी रिलेटिव विथ आर, उसी प्रकार बी कामा ए इज रिलेटिव विथ आर, ठीक है, तब लिख दीजिए ए कामा बी इज रिलेटिव विथ, ये देखो एलिमेंट जिस प्रकार ए का बी आर का रिले आर का एलिमेंट है, उसी प्रकार बी का ए भी आर का एलिमेंट है, क्योंकि ए का बी तीन से विभाज्य तो बी का ए भी उल्टा भी विभाज्य है। अतः जेड में सममित संबंध है, ऐसे लिख दीजिए जेड में सममित संबंध है। अब बेटा देखो थर्ड स्टेप यही इंपॉर्टेंट है संक्रमण के लिए, संक्रामक लिख दे रहा, संक्रामक, संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए बेटा क्या करेंगे, संक्रामण के लिए आपको तीन एलिमेंट मानना है, हमने पिछले वीडियो में बताया था, आप देख लीजिएगा ए बी सी। इसमें कंडीशन क्या होता है कि ए और बी के बीच जो रिलेशन दिया होगा बी और सी के बीच में वही रिलेशन होगा, ये कंपलसरी। आप ए और सी के बीच वही रिलेशन फाइंड कर दो, यदि ए माइनस बी तीन से विभाज्य तो बी माइनस सी भी तीन से विभाज्य होगा, ये कंपलसरी है। तब आपको बताना है कि ए में से जब सी घटा तो भी तीन से विभाज्य होगा, यही चेक करना है। तो आप यहाँ चेक करें, लिखेंगे पहले तो हमारा कंडीशन ए माइनस बी है, क्या है, तीन से डिविजिबल है, तीन से विभाज्य, ठीक है। तब सेकेंड कंडीशन बी माइनस सी होगा, ए माइनस बी जिस प्रकार तीन से विभाज्य उसी प्रकार बी कामा सी भी तीन से विभाज्य, यह आपको भी लिखना ही लिखना है। अब आप क्या करें, आपके पास दो तरीका, या तो इसको कॉमन सेंस के तौर पे सोच लीजिए या फिर दोनों को जोड़ के देख लीजिए, ठीक है, तब भी वो आ जाएगा, इसके ए माइनस सी मिल जाएगा, माइनस सी तीन से विभाज्य होगा, या ऐसे सोचिए, सोचो तो बेटा कि कौर ए में से बी घटाएंगे तो तीन से विभाज्य होगा, ठीक है, आप सोच लिए।
ए में से बी घटाया तो कितना आया, 9 आया, 3 से विभाज्य। अब कह रहा है बी में से सी घटाई, तो बी आपको 3 ही लेना है और सी आप कुछ ऐसा ले लीजिए कि वह, जैसे मान लो यहाँ मैं 9 ले लिया कि उसमें से इसको माइनस करें। देखो ध्यान देना, यह ए या बी, ये बी और ये सी, ठीक है। तो कह रहा है ए माइनस बी 3 से डिवाइड होगा, हो गया। तो सेकंड कंडीशन बी माइनस सी भी 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो बी माइनस सी करके देखो कितना आएगा, 3 - 9 - 6। ये भी 3 से डिविजिबल है, देखो ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है ना। इसका कितना आएगा 3 और इसका कितना आएगा -2, तो दोनों 3 से डिविजिबल। अब आपको ये बताना है कि जब ए में से, ये रहा ए में से सी आप घटाओ, देखना ए ए में से जब सी घटाओ तो वो भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देखेंगे तब ए माइनस सी भी 3 से, अब बताइए विभाज्य होगा कि नहीं, आप चेक कर ले। तो ए में से इसको घटा, ए में से सी घटा के देखिए, 12 में से 9 घटाई कितना आएगा 3। क्या 3 3 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है, 1 आता है। तो आप यही बात आपको संक्रमण में समझना, संक्रमण भी बेटा थोड़ा सा जटिल होता है, आप उसको समझ लो। समझना क्या है कि जो रिलेशन पहले दिया होगा पहले तो हमको वही लिखना, तो ए और बी में जो रिलेशन दिया होगा वही बी और सी में भी रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे ए माइनस बी 3 से विभाज्य, तो बी माइनस सी 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब आप ये बताइए कि ए और सी में वो रिलेशन है कि नहीं, यदि है तो संक्रमण होगा। तो देखा हमने कि ए में से बी घटाया 3 से कटा, बी में से 3 सी घटाया तो भी 3 से डिविजिबल है, 3 से कट रहा है। अब ए में से सी घटा के देख लें, तो ए में से सी घटा के देखा गया तो भी 3 से डिविजिबल। आप सोच रहे हो यही क्यों ले, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले लीजिए कि वह 3 से डिविजिबल होना चाहिए बस। जैसे आप 18 और 27 ले लीजिए, ठीक है, 18 27 करेंगे -9, 3 से डिविजिबल होगा। 27 18 करोगे तो -9, 3 से डिविजिबल होगा। उसके बाद अगली संख्या आप क्या लोगे, कोई भी माइनस करें तो डिविजिबल हो। आप सोच लीजिए भी 3 से विभाज्य, ठीक है। और तो लिखा जाएगा यहाँ कि ए कामा बी रिलेटिव विथ आर, उसी प्रकार बी कामा सी रिलेटिव विथ आर। तब हमने फाइंड क्या किया कि ए कामा सी भी आर के साथ वही संबंध बना रहा है, ठीक है। यहाँ संक्रमण संबंध, संक्रामक है। जब संक्रामक हो गया तो लास्ट में आपको पूछा क्या है, तुल्यता ना, तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, लिखेंगे उपरोक्त संबंध में, ऐसे लिखेंगे उपरोक्त उपरोक्त संबंधों में, उपरोक्त संबंधों में स्वतुल्य सममित व संक्रामक संबंध है, इसलिए संबंध में तुल्यता संबंध भी है। यही आपका आंसर होगा लास्ट में। बेटा इतना ध्यान देना, इतना ध्यान देना कि किसी भी क्वेश्चन को पहले आप क्वेश्चन को सिंपली समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, और उसके बाद आप पहले उसमें स्वतुल्य बताइए, स्वतुल्यता की जांच कैसे करना है। दोनों को सेम एलिमेंट बना दीजिए, ए या तो ए कर दीजिए या फिर बी भी कर दीजिए। उसके बाद ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि देखो 0 - 3 सेटिस्फाई हो गया। सममित के लिए ए कामा बी जिस प्रकार रिलेटिव होगा उसी प्रकार बी कामा ए होना चाहिए, मतलब ए और बी में जो संबंध होगा वही बी और ए में भी संबंध होना चाहिए। संक्रमण में ए और बी में जो संबंध है बी और सी में वही होना चाहिए। फिर आप बताते हो कि ए और सी में वही संबंध यदि हो जाए तो वह संक्रमण संबंध हो जाएगा, ठीक है बेटा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आपको इसमें जो भी चीज समझ में नहीं आया होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और
जितने भी बच्चे लॉकडाउन में बैठे हैं, आपसे हर बार हम कहते हैं कि आप बच्चों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करिए, आपको अच्छे से अच्छे चीज़ यहाँ पे दिए जाएंगे, कम्पिटेटिव लेवल के आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हम लोग आपको कम्पिटेटिव लेवल के वीडियो आपको यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि डेली आप क्लास 10th 12th के वीडियो अभी तो अपलोड किए जा रहे हैं, वैसे ही प्रयास है कि साइंस का भी वीडियो जल्द ही अपलोड करा दिया जाएगा। आप यदि हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।